दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो दोस्तों पटलिंग में ट्रैक्टर चल रहा है फर्म ट्रैक 60 सुपर मैक्स। दोस्तों एक साल पुराना ट्रैक्टर ही है ये, एक डेढ़ साल 2019 मॉडल ट्रैक्टर है और 7 फीट का सोनालिका का रोटावेटर है इसके पीछे। और दोस्तों जैसे मूंजी का सीजन स्टार्ट हो गया, मूंजी लगाने का, धान लगाने का सीजन स्टार्ट हो गया, तो उसमें हरी घास ये जोती जा रही है, मतलब कि इसको मिट्टी में मिक्स किया जाएगा। इसका जो प्रोसीजर होता है दोस्तों वो डीकम्पोज प्रोसीजर कहते हैं ऐसे इंग्लिश में, जो इसका अगर हिंदी या किसानी भाषा में इसका अनुवाद करूं तो इसको गलाना कहते हैं एक तरीके से। इसका इससे जो फ़ायदा होता है दोस्तों, इससे ये खाद लगता है जिसे हरी खाद बोल देते हैं, और इससे जो ज़मीन की फर्टिलिटी पावर है वो काफ़ी बढ़ जाती है ऐसा करने से। पहले ये जो बाजरा और जो सनी बोलते हैं हमारे यहाँ, इधर से ढांचा भी होता है दोस्तों, इसमें सनी ढांचा बाजरा तीनों अलग अलग चीज़ें हैं ये, और इसे जोता जा रहा जी। इसकी ट्रैक्टर की हमने पहले पिछले साल भी वीडियो बनाई थी, लेकिन जो आज दोबारा वीडियो बनाने का जो मकसद था, पहले क्या था कि इस ट्रैक्टर में ब्यास टायर थे, मतलब कि नॉर्मल टायर थे पिछले, अब इसमें रेडियल टायर है। और इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, रेडियल टायर सूखी ज़मीन में कामयाब तो है ही है दोस्तों, पटलिंग में भी जो ट्रैक्टर है वो बहुत कम स्लिप मार रहा, मार तो रहा है इसमें, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बिल्कुल स्लिप नहीं मार रहा, स्लिप तो मार रहा है लेकिन बहुत कम मार रहा है, ये भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है। और आपको खिंचाई दिखाऊंगा दोस्तों ट्रैक्टर की कितनी अच्छी खिंचाई है। देखो इतना बड़ा 5-5 फीट का जो धापना पीछे ढांचा या सनी है उसको बिल्कुल ही ज़मीन में मिलाना, अगर ट्रैक्टर में पावर है दोस्तों तभी ये काम हो रहा है। 41 HP निकालता है दोस्तों ये PTO की। और देख लो फार्म ट्रैक 60 भाई, अच्छी पावर लगाता है ये ट्रैक्टर, PTO के मामले में काफ़ी अच्छी पावर लगाता है ये। बाकी अपने कमेंट में बताइयो, कि आपको कैसा लग रहा। देखो पीछे आप देख लो एक बार, आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। ये देखो, और दोस्तों एक बात आपको बताऊं, मैं इसमें मुझे खास बात और लगती है कि इसमें बिल्कुल डिस्टॉर्शन नहीं है, ना रिडक्शन की आवाज़ है, ना रोटावेटर में आवाज़ है, और ना ट्रैक्टर में कुछ डिस्टॉर्शन का यहाँ मतलब होता है कि बोलेट खड़खड़ा या कुछ और चीज़ खड़खड़ी, मरघाट खड़खड़े, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इंजन की आवाज़ आ रही है, साइलेंट चल रहा है ट्रैक्टर। ये देखो आप, ₹1800 पे चला है दोस्तों। और चाचा पहले लोज के दूजे च, पहले लोज के दूजे च, पहले दोस्तों पहले लो में चल रहा है। और बाकी अगर इसकी मैं फ्यूल कंजप्शन की बात करूं तो दोस्तों जिनके पास ट्रैक्टर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली ट्रैक्टर तेल खाते हैं 50 HP जो ट्रैक्टर तेल खाता है रोटावेटर पे, वो 5 लीटर के आसपास ट्रैक्टर तेल ले लेता है। अगर वो 100-150 RPM ड्रॉप कर रहा है तब, अगर वो 300-200 या 300 RPM ड्रॉप कर रहा है तो दोस्तों 1 लीटर तेल और बढ़ जाएगा, 1 घंटे का कम से कम भी 6 लीटर तेल खाएगा। और जो इसका फिलहाल औसत आएगा मैं आपको बताऊं, वो 1 लीटर का 1 बीघे में औसत आएगा, अगर ये 1 घंटे में 6 लीटर तेल खाएगा तो 6 बीघे जोत भी देगा, मतलब कि 6 लीटर की जुताई भी कर देगा।
ठीक है दोस्तों, ये वीडियो है आपके लिए। और बाकी हमने एक पहले वीडियो बना रखी है दोस्तों, उसमें पूरा जो प्रोसीजर है डीकम्पोजिशन का, जो पूरा प्रोसीजर है वो समझा रखा है कि कैसे कैसे गलता है, सारा कुछ उसने बता रखा है। आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और हमारे भाई है पिंदर, वो फार्म ट्रैक का बहुत बड़ा फैन है, तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि वो मुंडा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊगा भी अज फार्मर बंदे वाले भाई ने दोबारा फिर फार्म ट्रैक की वीडियो बना दी। बाकी दोस्तों और कई ट्रैक्टरों की वीडियो बनाएंगे, पढ़ लिख में चलते हुएगी। ये देखो आप, ये देखो मोड़ पे आके, इसमें दोस्तों जुताई करते वक्त जो जैसे सनी की जुताई करते हैं या ढांचे की जुताई करते हैं, इसमें आपको एक मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ। अगर हम इसको रोटावेटर को ऊपर उठा के जुताई करेंगे तो जो सारी सनी या बाजरा या ढांचा जो भी कुछ आप जोत रहे हो वो सारा रोटावेटर के ब्लेडों में फंस जाएगा, मतलब कि उलझ जाएगा। फिर जो रोटावेटर है वो रोल का काम करेगा, फिर उससे कटाई नहीं होने की। लेकिन अगर आप इसे नीचे धर के बिल्कुल ज़मीन में नीचे में अच्छे तरीके से, मतलब कि नीचे मिला के जुताई करोगे, लिफ्ट हाइड्रोलिक नीचे उठा के धर के जुताई करोगे, तो सारा ये जो आपका ढांचा या बाजरा है ये ज़मीन में मिल जाएगा। लेकिन बात दोस्तों फिर वहीं आ रही है घूम के दोबारा, कि नीचे तक जुताई वही ट्रैक्टर करेगा जो पीटीओ के मामले में पावरफुल होगा। जैसे ये देखो बीच पीछे बिल्कुल सारे का सारा बाजरा ढांचा या अपना सनी ये मिला दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये भी पता लग जाता है कि ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा चल रहा है, और कुछ कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। मुझे भी कुछ ना कुछ देखने के, यहाँ से ट्रैक्टर चल रहा है कुछ ना कुछ नई बात का पता लगता है, और आपको भी दोस्तों कुछ ना कुछ तो पता लगता ही होगा, वीडियो में ऐसी बात नहीं है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।